दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। पहले तो आपका आभार कि आपने इतना प्यार जताया। दोस्तों, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगे, मैंने सभी कमेंट पढ़े हैं। तो आज अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने बात करेंगे स्टूडेंट्स का, जो पिछली हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी भी वृद्धि कमी पर जो क्वेश्चन आ रहे थे, वैसे ही आज मैं तुम्हें परसेंटेज का एक और टाइप करवाता हूँ। देखो, आज अपने बात करेंगे रेशो के बारे में कि रेशो में परसेंटेज के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे आज अपने ध्यान देंगे। देखो, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज है। हम जो अभी बात कर रहे हैं वो परसेंटेज के कुछ टाइप्स का कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ही समय में मैं आपको एक PDF फाइल प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन हम मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। आप सभी, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप उस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना और आपके पास अपने क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, फिर हम आगे उनके सॉल्यूशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी अपने बेसिक के दौर को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखो, मुझसे कई बच्चों ने कहा कि क्लास रेगुलर रखोगे क्या सर? तो बिल्कुल क्लास रेगुलर रखी जाएगी आपकी। अब ये जो परसेंटेज की क्लासेज हैं, जो मैथ की क्लासेज जो चल रही हैं, ये रेगुलर रहेंगी। आपको पूरे पटवारी का सिलेबस कराया जाएगा और जो लेवल है वो ऐसा रखा जाएगा कि आप पटवारी का एग्ज़ाम भी आराम से दे सकते हो, SSC के एग्ज़ाम भी आप देने जाओ तो दे सकते हो, लेवल सभी अच्छे रखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का अपना अगला पोर्शन, जिसमें मैं बात करूँगा रेशो की। तो स्टूडेंट, बात है ऐसी कि मान लो रेशो दिया गया है, आपको रेशो दिया गया है और परसेंटेज में वृद्धि कमी कुछ भी दे सकता है और आपसे रेशो ही पूछा है। आपको रेशो दिया गया है और आपसे रेशो ही पूछा है। स्टूडेंट्स, इस ये आज का आपका पहला टाइप है कि रेशो दिया गया है, परसेंटेज वृद्धि या कमी दे रखी है और आपसे रेशो ही पूछा जाता है। तो मैं एक स्टूडेंट पे, एक क्वेश्चन पे गौर करूंगा कि मान लो एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, सॉरी, एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों में 10% की वृद्धि हो जाए और लड़कियों में 5% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो आपसे जो पूछा गया है कि नया अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन पे, गौर से देखिएगा कि आपसे कह रहा है कि जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 3:2 है, लड़कों में 10% की वृद्धि कर दी जाए और लड़कियों में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसको करने के दो तरीके हैं, गौर से देखिएगा कि एक तो ये है कि हमने माना, देखो परसेंट का जो मतलब है वो क्या होता है, सो। तो आपने यहाँ माना कि अगर परसेंट का मतलब 100 है तो 3 का मतलब 300 और 2 का मतलब 200। अब हमने ये पाया कि जो लड़के हैं उनमें 10% की वृद्धि होगी। आप यहाँ देखें लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 300। आप इसमें 10% की वृद्धि कर दो, अर्थात वृद्धि हुई 30 की, तो जो स्टूडेंट है वो 300 + 30 कितने हो जाएंगे, 330। वैसे ही आप जब बात करते हैं हम गर्ल्स की, तो गर्ल्स आपकी कितनी है, 200, इसमें वृद्धि कितने की है, 5% की, अर्थात कितना हुआ, 10। तो 200 तो है ही, 10 की वृद्धि हो जाए तो अब जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी हुई, 210। स्टूडेंट्स, एक बार फिर गौर करेंगे इसी क्वेश्चन पे, अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 है, ये आपका क्वेश्चन था। मैंने कहा परसेंट बराबर 100 होता है तो 3 की बजाय 300, इसका मतलब लड़के हो गए 300, लड़कियां 2 का मतलब 200, अर्थात लड़कियां कितनी हो गई, 200। अब लड़कों में 10% की वृद्धि हुई है, 300 का 10% कितना हुआ, 30, तो 300 + 30 कितना हुआ, 330। ये हो गए टोटल लड़के। वहीं लड़कियों की तरफ अगर देखा जाए तो लड़कियां हैं 200, वृद्धि हुई 10 की, अर्थात लड़कियों की संख्या हो गई 210। आप रेशो निकालना है तो आप 0 से 0 काटेंगे और 3 के पाड़े से चेक करेंगे तो ये हो गया 11,
और ये हो गया 7, तो आपका अनुपात आएगा 11:7। तो जो नया आंसर आएगा, नया अनुपात आएगा 11:7। एक बार फिर देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने जो अभी टाइप किया है वो है रेशो, दे रखा होता है परसेंटेज में वृद्धि या कमी दे रखी होती है, और आपसे नया रेशो पूछता है। तो आपने पाया कि लड़के अगर 3 हैं तो लड़कियां 2 है, परसेंट का मतलब होता है 100, अर्थात 3 कितना हो गया 300 और 2 कितना हो गया 200। लड़कों में 10% की वृद्धि, अर्थात 300 का 10% 30, तो 300 और 30 कितने हो गए 330। वैसे ही लड़कियों में 5% की वृद्धि, अर्थात कितनी हो गई 10, तो 200 और 10 कितने हुए 210। आपका आंसर आएगा 11:7। हम इसके बाद में, ये थी इसे करने की पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक स्टूडेंट्स आप देखेंगे, मैं इस तरफ करवा रहा हूँ, आप इसे गौर से नोट कीजिएगा। देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। आपको लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2। लड़कों में वृद्धि हुई 10% की और लड़कियों में वृद्धि हुई 5% की। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो तरीका है इसी का छोटा रूप है, ये जो अब हम तरीका कर रहे हैं वो इसी तरीके का छोटा रूप है, आराम से गौर से देखेगा। देखो, 3 आपका अनुपात है 3 और वृद्धि है 10 की, तो 3:10 में 10 की वृद्धि, अर्थात 3×30% की वृद्धि। वैसे ही 5% की वृद्धि 2:1 में, तो वृद्धि हुई 10% की, 5×2 कितना हुआ 10। अच्छा, 3 का मतलब 300 और 2 का मतलब 200, वृद्धि है तो प्लस कर दिया, वृद्धि है तो प्लस कर दिया और कमी है तो माइनस, तो ये आएगा 330 और ये आएगा 210, और आपका रेशो आएगा 0:0 गया, रेशो आ गया 11:7। मैं इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, पहले ये तरीका था, ये उसी का छोटा रूप है, इसे मैं एक बार फिर करवा रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर करते हैं, पिछले वाले तरीके का छोटा रूप। आप देखेंगे अनुपात 3:2 है, वृद्धि है 10% की और इसमें वृद्धि है 5% की। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि 3 का मतलब कितना हुआ 300 और 2 का मतलब कितना हुआ 200। 3:1 में 10% की वृद्धि, अर्थात कुल वृद्धि हुई 10×3 कितने की 30 की। वैसे ही 5% की वृद्धि 2:1 में, 5×2 वृद्धि कितनी हुई 10 की। आप इन्हें प्लस करो तो ये तो बनता है 330 और ये बनता है 210, और 0:0 गया, आपका रेशो आ गया 11:7। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि हमने कैसे से डायरेक्ट ही कर दिया, आपको इसे अलग अलग पोर्शन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सीधा देखा 3 का मतलब 300, 2 का मतलब 200, 3:1 में 10% के हिसाब से वृद्धि हुई 30 की, और 5% के हिसाब से 2:1 में वृद्धि हुई 10 की, तो कुल वृद्धि हुई 330। देखो स्टूडेंट, वृद्धि है तो प्लस कर दो, और अगर यही कमी होती तो क्या कर देते माइनस, तो आपका आता 330 और ये आ गया 210। रेशो निकाला तो रेशो आ गया 11:7। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे स्टूडेंट्स मैंने एक छोटा सा डाटा लिखा कि ए बी और सी 3 ग्रुप हैं और जिनका अनुपात है 3:2:1 ले लिया हमने, कि मान लो इसमें 10% की कमी हुई। क्वेश्चन क्या है गौर से सुनिएगा, कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं ए बी और सी, जिनका अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। पहले ग्रुप में कमी हुई 10% की, दूसरे ग्रुप में वृद्धि हुई 5% की, और तीसरे ग्रुप में वृद्धि हुई 20% की, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप गौर करेंगे, मैंने कहा 3:1 में 10% की कमी, अर्थात कुल कमी हुई 30 की, और 3 का मतलब कितना हुआ 300। अब अगर कमी हो रही है तो माइनस कर दो, 300 में से 30 गया कितना हुआ 270। वैसे ही आप देखेंगे कि 5% की वृद्धि, तो 5×10, 2 का मतलब हुआ 200, तो ये वृद्धि है तो आपने प्लस कर दिया, तो 200 और 10 कितना हुआ 210। वैसे ही आपने पाया कि 1 का मतलब कितना हुआ 100,
10-20% की वृद्धि, अर्थात वृद्धि कितने की हुई, 20 की, और इस हिसाब से कुल वृद्धि कितनी हुई, 120। अब आप देखेंगे कि 0 0 0 गया, 3 के पाड़े से देखें तो 3 चौक 12, 7 21 और 9 3 27, तो आपका आंसर आएगा 9 7 4। तो स्टूडेंट आपने पाया कि देखो वृद्धि है तो प्लस कर दिया और कमी है तो माइनस, इसे ज़्यादा बड़े वे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रेशो दिया गया होगा और आपसे रेशो ही पूछेगा, तो आपने अगर वृद्धि है तो प्लस कर देना है और कमी है तो माइनस, बस और कुछ नहीं है। 3 का मतलब 310% की कमी, तो 10 × 3 30 की कमी, 300 में 30 कम हो गया, कितना हो गया 270। इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और लगातार करते रहेंगे, स्टूडेंट्स साथ में सोल्व करते रहें, अपने तरीके भी लगाए, कुछ अभी जो रेशियो दे रखे हैं और आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है, कई बार क्या होता है कि रियल डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा आपको दिया जाता है, फिर उसमें वृद्धि या कमी की जाती है और आपसे पूछा है कि नया उनके बीच में अनुपात क्या होगा। जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं कि मान लो मेरे 2 खर्चे हैं, बिजली और पानी, मान लो मैं बिजली पर 240 रुपये खर्च करता हूँ और पानी पर मैं 120 रुपये खर्च करता हूँ। क्या था कि बिजली पर मैं 240 रुपये खर्च करता हूँ और पानी पर 120 रुपये खर्च करता हूँ, बिजली में 10% की वृद्धि हो गई और पानी के मूल्य में, क्या था कि बिजली के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई और पानी के मूल्य में, हम देखो डाटा कैसे भी दे सकता है, उसकी इच्छा है, उसने जो देना है वो दे देगा, आपने उसी हिसाब से उसको हैंडल करना है। जैसे उसने यहाँ कहा कि बिजली में 10% की वृद्धि हो गई और यहाँ कह दिया कि पानी में 10% की कमी हो गई, तो बताइए अब बिजली और पानी के खर्चे में क्या अनुपात होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर सुनेंगे कि बिजली का खर्चा 240 रुपये है और पानी का खर्चा 120, बिजली के खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई और पानी के खर्चे में 10% की कमी, तो बिजली और पानी के मध्य नया अनुपात क्या होगा। दो स्टूडेंट इसे करने के भी 2 तरीके हैं, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि 2 क्यों, अनेक तरीके हैं, आप सभी तरीकों का प्रयोग करें, आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को किसी एक तरीके से सॉल्व करें, आप इसे वेरियस तरीके से सॉल्व करो जितना हो सकता है। याद रखें मैथ तब सीखी जाती है जब आप एक ही क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता है उस क्वेश्चन पर आप वेरियस एक्सपेरिमेंट करो, आप उसे अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो, जितना आप उसको अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करोगे उतनी मैथ अच्छी होती जाएगी, उतने ही अलग अलग क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसे रेशो में ही बदल लो, देखो 0 से 0 गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो रेशो आ गया 2:1। अब क्या कहता है कि बिजली में 10% की वृद्धि हो गई, तो ये लो ये तो 10% की वृद्धि और इसमें 10% की कमी, आपने क्या करना है स्टूडेंट, 2 का मतलब 200 और 10 × 2 कितना हुआ 20, वृद्धि है तो प्लस कर दिया तो कितना आ गया 220। वैसे ही क्या नाम है, 1 का मतलब कितना हो गया 100, 10 × 1 कितना हुआ 10, कमी हो रही है तो क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ कितना आ गया आपका 90। आप 0 से 0 गया तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22:9। स्टूडेंट्स बहुत ही स्पीड में और बड़ी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर दिया, कैसे किया, अगर आप 240 लेके चलो तो भी आंसर आएगा, आप अगर 120 लेके चलते हो तो भी आंसर आएगा, पर बात यह है कि उस वक्त ये थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेटिवली मैथमेटिकली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर अगर आप इसे नॉर्मल वे में कर लो, आप पहले ही काट के छोटा कर लो, आपने उसे रेशो में बदला, 0 से 0 काटा, 12 दूना 24, 2:1 आ गया, अर्थात बिजली अगर 2 है तो पानी 1 है, बिजली में 10% की वृद्धि हो गई, पानी में 10% की कमी हो गई, 2 का मतलब 200 और 10 × 2 मतलब 20, वृद्धि है तो प्लस कर दिया और कमी है तो माइनस, तो जो नया अनुपात आएगा वो अनुपात आएगा 22:9। एक क्वेश्चन और मैं छोटा सा पेश करता हूँ आपको, आप कीजिएगा उसे घर जाके कीजिए, बार बार कीजिए, जितना हो सके इसे प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिया ए बी और सी, एक विद्यालय में 3 ग्रुप हैं, एक विद्यालय में
एक विद्यालय में तीन ग्रुप हैं ए बी सी, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या हमने ऐसे ले ली, मान लो 120, 180 और 240 हमने ले ली। ग्रुप ए में 120 विद्यार्थी हैं, ग्रुप बी में 180 विद्यार्थी हैं और ग्रुप सी में 240 विद्यार्थी हैं। हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा कि इसमें 5% की वृद्धि हो गई, मैंने कहा ग्रुप बी में 4% की वृद्धि हो गई। मेरे क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रुप ए में 5% की वृद्धि हो गई, ग्रुप बी में 4% की वृद्धि हो गई और ग्रुप सी में मान लो कि आप जो मर्जी जितना हो सके क्वेश्चन को उतना बढ़िया तरीके से आप कॉम्प्लिकेट करो या जितना हो सके उसे वैसे सॉल्व करो, आपकी इच्छा है। जैसे मैंने आगे किया कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 8% ले लेता हूँ, मैंने कहा भी 8% की वृद्धि हो गई, आप वृद्धि की बजाय चलो कमी कर लो, मैंने कहा 8% की कमी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, विद्यालय नहीं है, मान लो खर्चा लिखा हुआ है। हमें तो देखो लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप ये ध्यान रखें कि मान लो आपको एक रियल डाटा या ओरिजिनल डाटा दे दे, परसेंटेज में वृद्धि या कमी पूछ ले, वृद्धि या कमी दे दे और आपसे पूछ ले कि रेशो बताइए, नया अनुपात बताइए क्या होगा, तो आपके करने का तरीका क्या रहेगा कि आपने उसे लिखा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन को खर्चे पे बदल दिया, मैंने कहा ए पे मान लो 120 रुपये खर्च होते हैं, बी पे मान लो 180 रुपये खर्च होते हैं और सी पे मान लो 240 रुपये खर्च होते हैं। ए का जो खर्चा है वो 5% बढ़ गया, बी का खर्चा 4% बढ़ गया, पर सी के खर्चे में 8% की क्या आ गई कमी, तो बताइए ए बी सी के बीच में नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, सबसे पहले आप इसे काट के छोटा कीजिए, 120, 180 और 124, 244 जो है वो 6 के पहाड़े से 0 0 तो जा ही रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौक 24। अब आप पाते हैं कि 5% की वृद्धि हो रही है। सबसे पहले 2 का मतलब कितना हुआ, 205%, 5 और 2 में 5 दूना 10 वृद्धि है तो प्लस कर दिया, वैसे ही इसे 4 4 3 का मतलब कितना हुआ, 300, 4 3 12, 12 की क्या हो गई वृद्धि, वैसे ही इस क्वेश्चन पे आएंगे आप, 4 है, 4 का मतलब 400, 8 चौक 32, 32 की यहाँ क्या हो जाएगी कमी, देखो वृद्धि है तो प्लस कर दिया, वृद्धि है तो प्लस कर दिया और कमी है तो माइनस, तो यहां 10 कैसे आया स्टूडेंट, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12 और 8 चौक 32। हम इसे प्लस करते हैं ये आएगा 210 और इसे अगर प्लस करें तो ये आता है 312 और अगर इसे आप माइनस कीजिए, देखो स्टूडेंट्स जितना हो सके क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो या कुछ भी हो, आपने ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, दरअसल यहाँ अगर आप देखते कि आप इसे बड़े तरीके से करो तो ये काफ़ी लेंथी चल जाता है, हालांकि ये लेंथी नहीं है, बस इसे एक रिदम में एक तरीके से आप सॉल्व करो, आपका आंसर जरूर आएगा। हम इसे इसमें से 32 घटाते हैं तो ये आता है तुम्हारा 368, यहाँ तक आपका कवर हो गया। अब आपका अनुपात आता है 210, 312 और 368, ये सभी के सभी आपको सबसे पहले आप जितना हो सके इसे छोटे से छोटे पहाड़े से काटो, जैसे 2 के पहाड़े से कटेगा, ये आएगा 105, ये आ जाएगा तुम्हारा 156 और ये आ जाएगा तुम्हारा 184, तो आपका जो अनुपात आता है वो आता है 105, 200, 156 और 184। और कोई अगर आपको कुछ नज़र आए या किसी और पहाड़े से कटता नज़र आए तो आप काट देना या फिर आपको ऑप्शन में ये नजर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था अनुपात को अनुपात में बदलना जब परसेंटेज में वृद्धि या कमी दे दे। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको एक ओरिजिनल डाटा दिया गया है, वृद्धि है तो प्लस करना है, कमी है तो माइनस करना है जितना हो सके। अब देखो इसका आंसर जो है वो काफी बड़े रेंज में आया, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज या फिर क्वेश्चन का जो डाटा है वो ये डिसाइड करेगा कि उसका आंसर कैसा हो। तो अब इसका आंसर ये आया है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि रेशो में वृद्धि या कमी और रेशो ही पूछे। अब जो हम बात करने वाले हैं ये अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज का रिलेशन रेशो के साथ, रेशो पे जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट, जब वृद्धि और कमी दे रखी हो और कुल परसेंटेज पूछे,
अब जो अगला टाइप मैं लेके आ रहा हूं, इसमें आपको वृद्धि या कमी दे रखी होगी और आपसे कुल परसेंटेज वो पूछेगा। हाँ, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैं बात करता हूं। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं कि मान लो एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। मान लीजिए एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। लड़कों के 60% को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। स्टूडेंट देखेंगे, अब जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे सॉल्व करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर डिपेंड करता है कि आप तरीका कौन सा यूज़ कर रहे हो। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है, लड़कों के 60% को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कुल कितने प्रतिशत, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:4 है, लड़कों के 60% को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो लड़कों का परसेंटेज अलग और लड़कियों का अलग, और आपसे उसने पूछा है कि कुल, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए स्टूडेंट्स जिसमें आपसे कुल बदलाव पूछे या आपसे कुल पूछे, तो आपने करने का तरीका देखेंगे स्टूडेंट्स। इसको भी करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका जो हम यूज करते हैं, मानेंगे कि मान लो तीन लड़के हैं, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो आप लड़कों को 300 माने, वैसे ही चार लड़कियां हैं तो चार को आप 400 माने। 300 लड़कों के 60% को छात्रवृत्ति मिली, अर्थात कुल छात्रवृत्ति जिन्हें मिली वो स्टूडेंट थे 180, लड़के जो थे जिन्हें छात्रवृत्ति मिली वो थे 180, वैसे ही लड़कियों का 70% अर्थात 280 जिनको क्या मिली, छात्रवृत्ति। आप इन सबको प्लस करेंगे और आपको मिल जाएगा कि कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, जो कि आ जाएगा आपका 460, 180 लड़के प्लस 280 लड़कियां, तो कुल छात्रवृत्ति मिलने वाले टोटल विद्यार्थी हो गए आपके 460। और ये छात्रवृत्ति कितने विद्यार्थियों में से मिली है, 300 लड़के और 400 लड़कियां टोटल विद्यार्थी हुए 700। 700 में से छात्रवृत्ति कितनों को मिली, 460, और परसेंटेज निकालने के लिए आप गुणा करोगे 100 का, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 460/7%। मेरे इस टर्म को एक बार फिर देखें मैंने कैसे किया। देखो ये साधारण और बेसिक तरीका है, मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन को अनेक तरीके से करो। सबसे पहले हम बेसिक तरीके पे बात करते हैं, लड़के 3 हैं, लड़कियां 4 है, तीन लड़कों में 60% के हिसाब से बना 180। 300 लड़के 60%, 300 कैसे हुआ, परसेंट का मतलब 100 होता है, 3 का मतलब 300 हो गया और चार का मतलब कितना हो गया 400, 300 का 60% मतलब 180 और 400 का 70% मतलब 280, इन दोनों को प्लस किया तो कुल हो गया 460। 460 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कुल विद्यार्थी हैं आपके 700, 700 में से 460 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली, अर्थात परसेंटेज आंसर आएगा 460/7%। तो स्टूडेंट्स ये था इसे करने का एक बेसिक तरीका। अब मैं आपको एक छोटा सा और एडवांस तरीका बताता हूँ इसे सॉल्व करने का। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब अपने एक छोटे रूप में भी करते हैं। मैंने आपको पहला बेसिक रूप बता दिया, अब आप अपने बात करते हैं छोटे रूप पे। स्टूडेंट्स आप गौर करेंगे कि जो लड़के हैं वो 3 हैं और उनका प्रतिशत कितना है 60, तो आप इन्हें इकट्ठा करो, 60 × 3 करते हो तो टोटल आता है 180। वैसे ही लड़कियां हैं 4 और उनका जो परसेंटेज है वो 70, आप इन्हें इकट्ठा करो कितना बनता है 280।
तो लड़कों का हुआ 180 और लड़कियों का हुआ 280, और जब आप इन्हें प्लस करते हो तो कुल बनता है 460। तो स्टूडेंट्स गौर करेंगे कि लड़कों का जो परसेंटेज है वो 60 है, तीन लड़के हैं, टोटल बनता है 180। लड़कियों का जो परसेंट है वो 70 है, सात चार लड़कियां हैं तो कुल कितना बनता है 280। इन दोनों को जब आप प्लस करते हो तो कुल बनता है 460। और आपको अब ये बताना है कि क्या कुल प्रतिशत आपने फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि तीन लड़के हैं और चार लड़कियां हैं, टोटल बंदे हुए सात, तो आप 460 में भाग दे दोगे सात का। हमने इसे कैसे किया, सबसे पहले हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा कैसे, लड़कों का 180, लड़कियों का 280, और उन्हें इकट्ठा करके बना 460। और फिर हमने देखा कि हमें इसे बराबर बराबर बांटना है, क्योंकि हमें कुल प्रतिशत पूछा है। कुल पूछा है इसका मतलब है आपने एक प्रकार से एवरेज निकालना है, और एवरेज हुआ चार और तीन सात का, डिवाइड आप जब दोगे 460 में। तो स्टूडेंट्स ये था इसे करने का छोटा तरीका, इसे अपने और आगे भी कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले ये क्या था, इसमें आपको अलग अलग प्रतिशत अलग अलग ग्रुप की वृद्धि या कमी के हिसाब से दिया जाएगा, और आपसे कुल पूछेगा। जैसे कि मैं कह दूं कि एक क्लास में 70% लड़के पास हुए और 80% लड़कियां पास हुई, तो स्टूडेंट्स क्या था, लड़कों का 70% और लड़कियों का 80% पास हुए। पर अगर लड़के और लड़कियों का कंबाइन एक क्लास के रूप में देखें तो पूरी क्लास का एक नया प्रतिशत बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसे आप दूसरे लफ्जों में एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट का मतलब है अलग अलग हिस्सों को मिलाकर 1% बनाना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में अपनी डिग्री को देख सकते हैं, हम ग्रेजुएशन में 3 साल लगाते हैं, तीनों सालों के अलग अलग परसेंटेज होते हैं और आखिर में वो मिलकर एक बन जाता है, जिसे आप एग्रीगेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ही वही टाइप है। जैसे कि ये क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, 90% लड़के पास हो गए, 80% लड़कियां पास हो गई, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। क्वेश्चन को गौर से देखेंगे कि लड़के और लड़कियों का अनुपात है 2:3, 90% लड़के पास हो गए, 80% लड़कियां पास हो गई, तो कुल कितने प्रतिशत, आपका जो क्वेश्चन है वो है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो आप गौर करेंगे कि लड़कों का अलग प्रतिशत है, लड़कियों का अलग, और इन्हें मिक्स करके हमें क्या बनाना है, एक। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका बेसिक तरीका बता दिया, अब अपने एडवांस तरीके पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स दो लड़के हैं, प्रतिशत 90 है, टोटल हुआ 180। तीन लड़कियां हैं, परसेंटेज 80 है, टोटल हुआ 240। और जब आप इन्हें प्लस करते हो, देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि लड़कों का अलग प्रतिशत 180, वैसे ही लड़कियों का अलग प्रतिशत कितना हुआ 240, इन सब को आप प्लस कर दो तो बनेगा 420। हाँ जी स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 420। और आप देखेंगे स्टूडेंट है 3 और 2 5, तो 420 में आप डिवाइड कर दोगे 5 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 84%। इट मीन 84% स्टूडेंट जो है वो पास हुए। हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने कुल निकाला, 2 × 90 180, 3 × 80 किया तो 240, दोनों को प्लस किया तो कितना बन गया तुम्हारा 420। और 420 में डिवाइड किसका दोगे 5 का, ये 5 कैसे आया, दो लड़के हैं और तीन लड़कियां हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 84%। तो स्टूडेंट्स ये था एग्रीगेट निकालना। एग्री मतलब कि अलग अलग दे रखा होगा और आपको कुल निकालना है। स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं। देखें ये से करने का तरीका था, इसके अलावा भी आप इसे करना चाहो तो एक छोटा सा तरीका और है, जिसे बोलते हैं औसत वाला तरीका। औसत वाला तरीका का, जो औसत वाले तरीके का मतलब है कि आप इन दोनों का औसत देखें। आप देखेंगे कि 80 तो दोनों के पास है, लड़कों लड़कियों के पास 80 है तो लड़कों के पास 90 है, अर्थात वो 80 से 10 प्लस है, तो आपने औसत 80 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि
कि जो लड़कियां हैं वो जीरो रह गई और लड़के रह गए 10। अब आप मल्टीप्लाई करो, 10 और 2 कितने हुए 20, और अब इन्हें आपस में बांट दो, 3 और 2 कितने हैं 5, ये 20 कैसे आया, 10 × 2 किया तो 20 आ गया, इस 20 को इन 5 में बांटो तो कितना आएगा 4, 80 आपका एवरेज था, 4 आपने ये बांट दिया, टोटल आपका आंसर आ गया 84। तो स्टूडेंट्स ये था इसे करने का दूसरा तरीका। एक और मैंने आपको इसके 3 तरीके बताए हैं। दरअसल स्टूडेंट्स हम ये सोचते हैं कि हम एक ही तरीके से क्वेश्चन को कर लें, मैंने आपको पहले भी कहा है आप इसे वेरियस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, छोटे से छोटा रूप ढूंढिए, छोटा रूप अगर आपको आ चुका है तो बड़े रूप को भी कीजिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले इसका एक बेसिक करवाया, फिर एक थोड़ा सा एडवांस करवाया, और ये उसका भी एक एडवांस रूप है, इसे बोलते हैं औसत लेना। औसत में हमने ये देखा था ये 90% था और ये 80% था, हमने ये पाया कि दोनों के पास 80% तो है, आपने 80 साइड में लिख दिया, फिर आपने ये देखा कि ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 10, 10 और 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 20, और अब इस 20 को चारों में बांट दो, सॉरी पांचों में बांट दो, तो आपका जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा 4, 80 आपके पास था जो औसत था, 4 आपने बांटना है तो आंसर आएगा 84। तो स्टूडेंट्स ये था इसे एक और तरीके से करना जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, आप इसे और अच्छे तरीके से सीखें। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम गौर करेंगे। मैंने कहा एक व्यक्ति के 3 खर्चे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तथा उन खर्चों का जो अनुपात है वो अनुपात है 3:2:5। रोटी के खर्चे में 8% की वृद्धि हो गई, कपड़े के खर्चे में 9% की वृद्धि हो गई और मकान के खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। रोटी के खर्चे में 8% की वृद्धि हो गई, कपड़े के खर्चे में 9% की वृद्धि हो गई और मकान के खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। अब हमें ये बताना है कि उसका खर्चा कुल कितने प्रतिशत बढ़ा। तो आप पाएंगे कि रोटी का अनुपात 3 है और परसेंटेज वृद्धि 8 है, तो टोटल हुआ 24। 9% है कपड़े का, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18, और 5 मकान का है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50। आप इन सब को प्लस करेंगे तो आप इसका टोटल निकालेंगे। स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले आप गौर करें कि आखिरकार ये है क्या, रोटी का खर्चा, कपड़े का खर्चा, मकान का खर्चा और उनके अनुपात और वृद्धि है, तो आपने इन्हें एक साथ इकट्ठा किया 24, ये हो गया 18 और ये हो गया तुम्हारा 50। ये कुल मिला के बनता है 50 20 70 10 80 80 90 और 2 92। 92, अब ये 92 टोटल प्रतिशत वृद्धि है और टोटल बंदे हैं जो रेशो है वो है 5 3 8 और 2 10। आप इसमें 10 का डिवाइड दे दो, आपका आंसर आएगा 9.2। तो आपने देखा कि कैसे हमने इसको बड़े सरल तरीके से सॉल्व कर दिया, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई। अच्छा इसका भी एक छोटा रूप मैंने आपको बताया था कि इसे और भी आप छोटा कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको और छोटा आप कैसे करेंगे कि आप देखते हैं कि एवरेज यहाँ पर 8% है, एवरेज यहाँ पर 8% है, ये हुआ 0, ये हुआ 1 और ये हुआ 2, 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, प्लस किया तो 12 और डिवाइड बाई 10 कैसे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो आपका जो आएगा वो आएगा 1.2 और आपने जो एवरेज निकाला था वो कितना था 8, उसमें 1.2 आप प्लस करो, आंसर आएगा 9.2%। तो स्टूडेंट्स ये था इसे करने का एक और तरीका जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं। याद रखें एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट है कि आपको अलग अलग वृद्धियां दी जाए एक अलग अलग ग्रुप की। देखो स्टूडेंट्स अगर वृद्धि है तो प्लस कर देना, कमी है तो माइनस। अभी तक हमने सिर्फ वृद्धि वाले क्वेश्चन किए, मैं अब कुछ क्वेश्चन आपको कमी वाले भी करा देता हूं। बस याद रखना इसका मतलब है आपसे अलग अलग का दे रखा होगा और आपसे लास्ट में कुल पूछेगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको,
हमने क्वेश्चन लिखा कि एक क्लास में, एक विद्यालय में तीन ग्रुप हैं, ए, बी और सी, जिनमें विद्यार्थियों का अनुपात हमने लिख दिया 8, 7 और 5। फिर हमने ये देखा कि पहला जो ग्रुप है ए, उसमें 10% की वृद्धि हो गई, दूसरा जो ग्रुप है उसमें 5% की कमी हो गई, और जो तीसरा ग्रुप है उसमें 15% 15 नहीं मान लो 12% की वृद्धि हो गई। स्टूडेंट्स एक बार फिर गौर करेंगे कि ग्रुप जो ए है उसमें 10% की वृद्धि हो गई, ग्रुप बी में 5% की कमी हो गई और ग्रुप सी में 12% की वृद्धि हो गई। आपसे ये पूछा जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की वृद्धि या कमी हुई, या फिर पूछेगा कि उसकी कुल संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आप 10 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये 80 बनता है, और 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये 35 बनता है, और 12 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये 60 बनता है। ये दोनों वृद्धि है, अर्थात ये दोनों हुए प्लस, पर ये कमी है तो ये क्या हुआ माइनस। तो स्टूडेंट 80 प्लस 60, 140, 140 में से जाएगा 35, क्योंकि ये माइनस है, तो आपका बचता है 105, और जो रेशियो है वो है 8, 7 और 5। आप इन्हें प्लस करो तो ये रेशियो बनते हैं 20। तो आप 105 में डिवाइड किसका दोगे, 20 का, आपका आंसर आ जाएगा। और ये वृद्धि है या कमी, स्टूडेंट्स प्लस बचा है तो ये वृद्धि है, अगर ये माइनस बचता तो ये कमी होती। तो देखो स्टूडेंट्स ये था एग्रीगेट को सोल्व करने का एक तरीका। अभी तक हमने ये देखा कि सिर्फ आपको रेशो दिए गए हैं और रेशो पे आधारित ही क्वेश्चन है, वृद्धि है कमी है। अब हम बात करते हैं जब क्वेश्चन रियल डाटा में आ जाए, आपको रियल डाटा में क्वेश्चन दिया गया हो और फिर उनमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछे और आपसे कहे कि कुल प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिया कि एक व्यक्ति के पास 28,000 रुपये हैं, इसमें से 14,000 रुपये वह बैंक ए में जमा करवाता है तथा शेष राशि वह बैंक बी में जमा करवाता है। क्वेश्चन क्या है कि उस व्यक्ति के पास 28,000 रुपये है, उनमें से 14,000 रुपये वह बैंक ए में जमा करवाता है और शेष राशि वह बैंक बी में जमा करवाता है। बैंक ए उसे 12% ब्याज देता है और बैंक बी उसे 8% ब्याज देता है। बैंक ए उसे 12% ब्याज देता है और बैंक बी उसे 8% ब्याज देता है। तो बताइए उसे एक साल में कुल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 28,000 एक धनराशि है, उसमें से 14,000 रुपये वह एक बैंक में जमा करवाता है तथा शेष राशि, देखो 28,000 में से 14 इसमें आ गया तो बाकी शेष राशि भी कितनी रह गई, 14,000। इस पर वह 12% ब्याज ले रहा है और इस पर वह 8% ब्याज ले रहा है, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। स्टूडेंट ये चैप्टर बेशक साधारण ब्याज का है पर हमें यहाँ पर उसने लास्ट में कुल पूछा है, कुल मतलब कि एग्रीगेट, और जब भी एग्रीगेट आ जाए तो आपने तरीका एक ही रखना है। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं, पहला काम है आप इसे रेशो में बदलें। देखें स्टूडेंट्स 14,000 से 14,000 कट जाता है, अर्थात 1:1 आता है। पहले वाले में जो ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 12% थी और दूसरे वाले में कितनी थी, 8। और आपने अब क्या करना है, देखिए पहले एक ही अनुपात है और इधर भी एक ही अनुपात है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 × 1 कितना हुआ 12, 8 × 1 किया तो कितना हुआ 8, दोनों को प्लस किया तो कुल कितना हुआ 20, और अनुपात कितने 1 और 1 2, अर्थात 2 का डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 10% टोटल ब्याज। आपको धनराशि पर अलग अलग ब्याज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये तरीका है जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं। आप सबसे पहले रियल डाटा को रेशो में बदलो, मैंने देखा 28,000 राशि है, 14,000 एक, तो शेष भी 14,000, रेशो आ गया 1:1। पहले वाले पे ब्याज की दर 12% है, 12 × 1 किया तो 12,
आठ इंटू एक किया तो आठ, टोटल हो गया 20, टोटल अनुपात है दो, 20 में भाग दिया दो का, आंसर आ गया 10% वार्षिक, अर्थात वो व्यक्ति 28,000 पर 10% की दर से ब्याज प्राप्त करेगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं कि एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, पहले उसे तीन ग्रुप में बांटा गया, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ग्रुप ए में 120 बच्चे हैं, ग्रुप बी में 60 बच्चे हैं। क्वेश्चन को देखेंगे कि ग्रुप ए में 120 बच्चे हैं, ग्रुप बी में 60 बच्चे हैं, शेष बच्चे ग्रुप सी में हैं। ग्रुप ए का 15% विद्यार्थी फेल हो गया, ग्रुप बी का मान लीजिए कि 20% विद्यार्थी फेल हो गया और ग्रुप सी का 30% विद्यार्थी फेल हो गया, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे? देखिए स्टूडेंट्स को, अब आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, ये एग्रीगेट क्या चीज है। आप यहाँ देखें कि हमें तीन अलग अलग हिस्से दिए गए हैं, उनके तीन अलग अलग परसेंटेज आपको दिए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, कुल। तो आपने सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपने इसे रेशो में बदलना है। टोटल विद्यार्थी हैं 360, उसमें से ए में है 120, बी में है 60, कुल हो गए 180, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 180, अर्थात सी में कितने विद्यार्थी हैं, 180। अब इसे रेशो में चेंज कर लीजिए, आपने इसे रेशियो में चेंज किया तो रेशियो आ गया 2:1:3, और अब एग्रीगेट 15 × 30, 20 × 1=20 और 30 × 3=90, जब आप इन्हें प्लस करते हो तो कुल बनता है आपका 140 और कुल अनुपात है 3, 2, 5 और 1, 6, तो 140/6% आपका आंसर है। तो 140/6% विद्यार्थी क्या हुए फेल। तो स्टूडेंट्स ये था इसे करने का तरीका, जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं। आपको रियल डाटा दे रखा हो तो आप उसे रेशो में बदल लीजिए, और अगर आपको रेशो में दे रखा है तो इसे करना बहुत सिंपल है, वृद्धि है तो प्लस कर लेना, कमी है तो माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो आगे के जो नेक्स्ट स्टेप हैं ये अभी काफ़ी विस्तार में है, कल हम बात करेंगे एग्रीगेट की, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे इसकी, और वैरायटी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अभी तक हमने देखा कि हमने जो रेशो लिए हैं वो आसान और सिंपल लिए हैं, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें रेशो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। हमने जो परसेंटेज लिया है वो भी साधारण लिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लिया। कल हम बात करेंगे कि रेशो भी मुश्किल आए और परसेंटेज भी मुश्किल आए, तब हमें इसको कैसे उपयोग में करना है। तो स्टूडेंट धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।